अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नौमान काकीपोटो है। मेरा ताल्लुक दाऊद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है। मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हम पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग में आए हुए हैं और पाकिस्तान में हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा मरीज अभी जो डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं कि 40% लोग जो है वो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के बढ़े हुए होने में मुबतला हो चुके हैं। ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज़ है जिसे हम खामोश कातिल कहते हैं। अगर किसी का बहुत लंबे अरसे तक ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ रहना होता है तो उसमें हार्ट अटैक का होना, फालिज का होना, गुर्दे का ख़राब होना या नसों का ख़राब होना बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे मरीज़ों में। अगर किसी का हम बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं और वो रेगुलर फॉलोअप करते हैं, दवाइयाँ बाकायदगी से लेते हैं और अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, जैसे अगर सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट छोड़ दें, अगर तंबाकू किसी और फॉर्म में लेते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, तो उसमें फिर रिस्क कम हो जाता है और आगे चल के ये हार्ट अटैक का होना, फालिज का होना, गुर्दे का ख़राब होना, ये सारे मसले जो हैं इनसे बच जाता है बंदा। तो बेहतर ये है कि अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, अगर बढ़ा हुआ आता है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से रुजू करें और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें ताकि आगे चल के आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, क्योंकि दिल तो एक ही है ना, और उसको अच्छा रखें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपका।